Assalamualaikum. मीना और मुस्तलफा के बीच में ये छोटा सा मुकाम आता है, इसके बारे में कुरान मजीद का एक सूरत भी है, सूरतुल फील। अस्हाब अल फील का जो वाक्य है वो इस जगह पे पेश है। छोटा वो ना लेफ्ट साइड में देखिए पहाड़ है, यहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वाह इधर देखो। अच्छा मिस साहब, देखिए चार मीनार वहाँ के मुकामात पे तीसरी मस्जिद, इसका नाम है मस्जिद कैफ। यहाँ पर इस मस्जिद के बारे में तीन मीनार वाली मस्जिद, यहाँ पर 70 अंबिया अलैहि सलाम ने नमाज भी अदा की। सुभान अल्लाह, पहले हमने मस्जिद देखी थी मिजान अल फास में, मस्जिद निकला। दूसरी मस्जिद आपको हमने दिखाई मुस्तफा में, मस्जिद मशल हराम। आज की हमारी हज के मुकामात में तीसरी मस्जिद है मीना के अंदर। और इसी मस्जिद से थोड़ा सा आगे देखे बाई जानिब, जहाँ पर आपको सफेद रंग की एक बड़ी चतरी लगी हुई नजर आ रही है। लेफ्ट साइड पे देखे सफेद रंग का एक बड़ा सारा चतरी लगा हुआ है, इसके नीचे जो अंधेरे वाली जगह है, इस जगह का नाम है मुकामे जमरात। यहाँ पर हाजी लोग शैतान को मिलकर मारते। देखिये जहाँ पर सफेद रंग की आपको बड़ी छतरी लगी हुई नजर आ रही है, इसके नीचे जो अंधेरा जगह है, यहाँ पर तीन दीवारें हैं, तीन पिलर बने हुए पिलर, इसके ऊपर हाजी यहाँ पर शैतान को कंकर मारते हैं। यही है शैतान, शैतान यहाँ पर ये जो अंधेरे वाली जगह नजर आ रही है ना, यहाँ पर हाजी लोग शैतान को कंकर मारते हैं। इस जगह का नाम है मुकामे जमरात। देखो राइट साइड पे देखे, सीधे हाथ पे देखे वादी है मीना का मंजर। देखो बेटा वो क्या है, वो बड़े बड़े बनाया। राइट साइड पे देखे वादी है मीना का मंजर, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी वादी है, ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में एक साथ खेमे लगे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा खेमे लगाए गए हैं। हर साल हाजी यहाँ पर आने के बाद मीना का कयाम इन्हीं कैंपों के अंदर ही करते हैं। और हाजी जब यहाँ पर हज के लिए आते हैं तो अपना हज का सबसे पहला कयाम यहीं पर ही मीना के अंदर ही करते हैं। और हाजी जब खत्म होते हैं तो हाजियों का सबसे आखिरी कयाम भी यहीं पर ही मीना के अंदर ही किया जाता है। यदि आप कह सकते हैं कि हज का सफर शुरू भी यहीं से होता है और खत्म भी यहीं पर ही मीना के अंदर ही होता है। जब हज के मौके पर इसे बोला जाता है तो यहाँ पर हर साल हज का खुतबा पढ़ा जाता है, तकरीबन
3.5 लाख हाजी होते हैं जो मस्जिद के अंदर हज का खुतबा पढ़ते हैं। यहाँ पर दोहर और असर की नमाज को एक साथ मिलाकर अदा करते हैं। जब हज का क़याम पूरा हो जाता है तो फिर मस्जिद को बंद कर देते हैं। अगले साल नौ सौ जाते हैं तो दोबारा इसे हाजियों के लिए खोला जाता है। एक दिन के लिए मिलती है हज का खुतबा यहाँ पर पढ़ते हैं। 3.5 लाख हाजी मस्जिद के अंदर हज का खुतबा अदा करते हैं। उसके बाद फिर मस्जिद बंद हो जाता है। अगले साल फिर दोबारा इसे नौ ज़िलहज्जा को हाजियों के लिए खोला जाता है। आहिस्ता उतरो। एग्जिट है, देखो वहां पे लिखे हुआ है अरफात एंड्स हियर। ठहरे मस्जिद निमरा के पास। ये है मस्जिद निमरा जो अरफात के मैदान के पास है। अरफात का जो एक है मीना है तो इस तरह बार मियाँ ठहरे मस्जिद निमरा के पास। धूप इधर से आ रही ना तो नहीं आ रहा, कुछ भी दिख रही नहीं। ये है चपले लेमट, ये है चपले लेमट। वीडियो लाइक सलूल कले अलाफिस।